मेरा भारत महान, लेकिन आज कैसे बिका मेरी जान। दूसरा वीडियो मेरे इस मिनी सीरीज में, मुझसे रहा नहीं जा रहा जो ड्रामा पॉलिटिशियंस ने खेला है पार्लियामेंट में, उसे देखकर मेरे से चुप नहीं रहा जा रहा, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं। एफडीआई का जो फैसला था वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, सबसे कच्चा डिसीजन। सरकार बदली, एग्जीक्यूटिव डिसीजन बदल गया, एफडीआई का बाजा बज गया, काम खत्म हो जाना था। एफडीआई का डिसीजन कच्चा डिसीजन था, लेकिन ये सभी मिले हुए हैं, ये उसे पक्का करना चाहते थे। तो पक्का करने के लिए उस पर लेजिस्लेशन की मोहर चाहिए थी। तो क्या किया इन्होंने, ड्रामा क्या किया, ये बीएसपी और एसपी वाले, ये मुलायम सिंह और ये मायावती जो बातें कर रहे हैं ना, अभी मैं इनके बारे में थोड़ी इनसे थोड़ी सी खुल के बात करता हूँ, लेकिन पहले जरा मैं ये बात पूरी कर लूँ। तो अभी एफडीआई जो है उस पर लेजिस्लेशन की मोहर लगाने के लिए इन्हें उसे पार्लियामेंट में पास करवा के वोटिंग करवानी जरूरी थी। तो ड्रामा क्या खेला, तो ये सब लोग जानते हैं कि देश छितर लगाएगा, चप्पल उतार कर पिटाई करेगा, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं एफडीआई से कि हम खिलाफ हैं, एफडीआई के खिलाफ हैं। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई, मायावती और मुलायम सिंह जी जैसे लोगों ने जात के नाम पे देश को बेच दिया। यार मेरे को ये बताओ, जात बड़ी होती है या देश बड़ा होता है? मुझे जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं, जो लोग आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, जो लोग असम की आज़ादी की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए है, और जो लोग जात के नाम पे बात कर रहे हैं, और जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सभी लोग मुझे सिर्फ आतंकवादी, देश के गद्दार और देश के सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। मायावती जी आज कह रही हैं कि वो कम्युनल फोर्सेज के साथ नहीं बैठ सकती। एक सिख हूं मैं, मेरे लिए सबसे बड़ा कम्युनल कांग्रेस पार्टी है। बेगुनाह सिखों को जिंदा जलाकर मारा था लोगों ने, 20 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। बेचारी विधवाएं, माएं रो रो के, उनकी आंखें अंधी हो गई, चिल्ला चिल्ला कर उनके अपनी चीखें सुनकर अपने कान बहरे हो गए, उनकी आवाज चली गई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सबसे बड़ा कम्युनल हिंदुस्तान में तो कांग्रेस खुद है। आप मायावती जी कांग्रेस का साथ देंगी? आप सिखों की सबसे बड़ी दुश्मन है, आप सबसे बड़ी कम्युनल हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कम्युनल इंसान आज की अगर डेट में कोई है तो मायावती जी वो आप हैं। अरे जिन्हें आप कम्युनल बता रही हैं ना, वो तो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से अलग करते हैं। अरे आपने तो सभी धर्मों के लोगों को अलग करके रख दिया है यार, जात के नाम पर किस धर्म में आपने लड़ाई नहीं करवा दी है? सभी धर्मों को फाड़ के रख दिया है जात के नाम पर आप लोगों ने। अरे सबसे बड़ी कम्युनल तो आप हैं, आप कम्युनल की शिक्षा देंगी देश को? जितना जितना बड़ा आपको किस्मत ने मौका दिया था हिंदुस्तान की सेवा का, अरे आप थी क्या मेरे तरह एक आम परिवार से? थी शायद मेरे परिवार से भी कमजोर पर आर्थिक हालात के परिवार से रही हूं, मुझे नहीं पता। एक हादसा हुआ आपके साथ, आप एक धरने पे गई थी, आपकी आप पर पुलिस वालों ने अत्याचार किया है, जो भी आपकी स्टोरी थी, और आपको मौका मिल गया कि आप चीफ मिनिस्टर बन गई, और ये सलाह दे रही हैं आप देश को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के? सबसे बड़ी कम्युनल आप हैं, सिखों की सबसे पहली बड़ी दुश्मन है कांग्रेस पार्टी के साथ बैठी है, सिखों की हत्यारी है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी, एक सिख के लिए सबसे बड़ा कम्युनल हिंदुस्तान में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर ही हो सकता है। आप बात करती हैं कम्युनल की, और छोड़िए, आपके पार्लियामेंट में पंजाब कांग्रेस के भी एक दो एमपी हैं और वो सिख हैं, बाजवा साहब, और पंजाब में भी कुछ लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स भी हैं और नए लीडर्स भी हैं। भट्टल जी का मैं नाम लूंगा, और ये दो नाम मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए उनके नाम नहीं लूंगा। लेकिन जरा उन लीडर से पूछिए कि क्या वो बीजेपी को कम्युनल कहेंगे? मैं भी तो जानूं कि उनकी कम्युनल की डेफिनेशन क्या होती है। आज कांग्रेस का कपड़े पहन के पार्लियामेंट में बैठे हैं कुर्सी के लिए, क्या वो बीजेपी कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ हो सकते हैं? तो क्या वो बीजेपी को कम्युनल कह पाएंगे? आप कम्युनल की बात मत कीजिए मेरे से, और कोई भी जात देश से बड़ी नहीं होती। यहाँ पे सरकार को गिराने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे देश को बचाने की बात हो रही थी। एफडीआई देश को बेचने का धंधा थी। आपने और मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर
देश के साथ सबसे बड़ा शरेआम धोखा किया है आप लोगों ने। देश के सबसे बड़े गद्दार आज की डेट में आप दो लोग हैं। जात के नाम पर देश को बेच दिया यार आप लोगों ने। मेरे दिल में आप जैसे लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी की मैं इज्जत नहीं करता यार, वो मुस्लिम, वो एंटी मुस्लिम बंदा है। स्वर्गीय बाल ठाकरे, मेरी, मैं कभी उस बंदे को मैंने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो भी जात और धर्म के नाम पर लोगों में फर्क करता है। राज ठाकरे जैसे लोगों को मैं गद्दार गिनता हूं, जो देश को बांटने पे लगे हुए हैं। आप देश को जात के नाम पर बांट रहे हैं, आप भी गद्दार हैं। आपके साथ मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। और एक बात बता देता हूं, मैं किसी भी गद्दार को बख्शने वाला नहीं हूं। आप क्या सोचते हैं लेजिस्लेटिव डिसीजन पत्थर पे लकीर हो गया? अरे लेजिस्लेटिव डिसीजन छोड़िए, मैं कहता हूं आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कीजिए। अरे मैं कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से चेंज करके ये लेजिस्लेशन की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ आप लोगों ने ये एफडी ले आए हैं। एफडी आने से क्या होगा, जो काला धन जो बाहर जमा किया हुआ स्विस बैंक्स में ना, जो हिंदुस्तानी को मिल नहीं रहा था, जोर लगा कर भी हिंदुस्तान से हिंदुस्तान का धन ही दूर लूट के रखा हुआ था, वो धन जब इन्वेस्ट होगा ना, वो सारा का सारा धन कानूनी तरीके के साथ दबाऊंगा, हिंदुस्तानियों को वापस दिलवाऊंगा वो धन। आपकी ये लेजिस्लेशन की ना, लेजिस्लेशन के तरीके से ही धज्जियां उड़ाऊंगा, ये भी बता देता हूँ मैं आज आपको। ये लेजिस्लेशन के वो उसमें मत रहिएगा कि लेजिस्लेशन हो गई तो पत्थर पे लकीर हो गई, सब बदल देंगे, देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। और जिन लोगों को देश बेचा है वो बचाने आएंगे आपको, मुझे नहीं जानते क्या? मैं खुद जिन घटिया लोगों को आप लोगों ने देश बेचा है ना, उन घटिया लोगों से, उन लोगों के अपने देश को ही मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हिंदुस्तानी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं यूरोप में जो मुल्क लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग जो गलत चीज़ें हैं, अमेरिका में भी जो गलत चीज़ें हैं, उन सबसे भी लोगों को जागरूक करके उनके अपने देशों को मैं उन घटिया लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपनी मातृभूमि को मैं कैसे उन लोगों के हाथ चढ़ जाने दूंगा? और आप लोग कैसे बच जाएंगे यार, क्या बात करते हो? दुनिया गोल है, जितना मर्जी भाग लो घूम के वहीं आओगे, और जहां भी आओगे गद्दारों को सिर्फ अमनप्रीत सिंह राय खड़ा हुआ मिलेगा। अब मेरे को इतना गुस्सा आया हुआ है इस टाइम पर जो इन लोगों ने ड्रामा किया है, कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन बहुत सब कुछ मेरे दिमाग से निकला हुआ जा रहा है। सोचना पड़ रहा है कि यार क्या रह गया, क्या बताना था। खैर, अभी इस वीडियो में यह बताना चाहता था कि कैसे इन लोगों ने देश को बेचा है। एग्जेक्टिव डिसीजन को लेजिस्लेटिव डिसीजन बनाने के लिए इन्होंने आपस में मिलकर सांठगांठ करके ये ड्रामा किया है। अरे कांग्रेस ने बीजेपी के लीडर्स तक के लिए डिनर रख दिया उन्हें मनाने के लिए। अरे बीजेपी क्या झक मार रही थी? क्या बीजेपी से डिनर नहीं रखा गया मुलायम सिंह के लिए और मायावती के लिए? क्या ये लोग डिनर पे ही मर जाते हैं? क्या डिनर करवा दिया तो ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ, खा लिया पीला बहुत अच्छा खिलाया, वोट कहाँ डालनी है बता दो। हिंदुस्तानियों की आदत है ना, हम दारू की बोतल के लिए तो हम वोट डाल देते हैं। और कैसे लीडरों को वोट डालते हैं? ऐसे लीडरों को वोट डालते हैं जो हमें ही, हमारे ही देश को बेच रहे हैं। एग्जेक्टिव डिसीजन को लेजिस्लेटिव डिसीजन बनाया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। विजयी वीर विशेष इंडिया पार्टी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उसे मजबूत कीजिए, उसे अपना, उसे अपनी पार्टी बनाइए। आप लोग उसे अपने हाथों में संभालिए और इन लोगों की धज्जियां उड़ाएंगे हम, शरेआम उड़ाएंगे और लेजिस्लेशन बना के ही उड़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बदल के इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। लेकिन मेरी सपोर्ट तो कीजिए, अकेला मैं क्या कर लूंगा? अकेला आदमी एक से लड़ता हूं, एक को हराता हूं, दूसरा आ जाता है, दूसरे को हराता हूं, तीसरा आ जाता है, तीसरे को हराता हूं, चौथा चौथे को, पांचवा पांचवें को, छठा छठे के बाद सातवां, सौवें आदमी को हराता हूं तो पहला आदमी उठ के फिर से आ जाता है। एक आदमी सौ सौ आदमियों के साथ कब तक अकेला लड़ता रहेगा यार? अब तो जागो। खैर, अभी मैं भूल गया कि मैं और क्या कहना चाहता था, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूं। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि मैं दूसरे मुल्कों को, जैसे अमेरिका को, इन कुछ चंद घटिया बिजनेसमैनों से कैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने देश की ही बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी दुनिया में जितने आम इंसान हैं तुम्हारे मेरे जैसे, उन सबके हक की बात कर रहा हूं। इसे सिर्फ
केवल हिंदुस्तानियों की लड़ाई मत समझिए, ये पूरी दुनिया के आम इंसानों की लड़ाई है। मेरी वेबसाइट पे जाइए यार, मेरे जो बातें मैं यहाँ वीडियोस में बता रहा हूँ वो सारी मैंने अपनी वेबसाइट में कितनी बार ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं। और उस इन सभी बातों के लिए मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी कितनी बार मैंने ये सभी बातें लिखी हैं, बार बार दोहरानी पड़ रही हैं। क्यों दोहरानी पड़ रही हैं? लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो आगे किसी को बताते नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? मैं एक एक आदमी को जाकर तो ये सब कुछ बताने को रहा, कितने कितने मिनट का ये वीडियो हो गया, कितने मिनट के बाकी वीडियो हैं। अब एक आदमी कितना बोलेगा यार, मेरी आवाज़ पे रहम करो यार।